सत श्री अकाल। बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, अज आप जमात छेवीं विशा समाजिक विज्ञान की जो तुहानू वर्कबुक मिली है उस दे विचों जुलाई अगस्त का जिहड़ा साडा एक टॉपिक है वैदिक काल। ठीक है, इस पाठ नूं आपां तुहाडे लई हल करांगे। इह तुहाडे इतिहास भाग नाल संबंधित है। पाठ नंबर 9 आपां पहलां हल कर चुके। ठीक है, अज आपां पाठ नंबर 10 हल करांगे वैदिक काल। तुसी इस वीडियो नूं अखीर तक ध्यान नाल वेखना गा ते सारे प्रश्नों नूं समझदे हुए साफ साफ लिखाई दे विच अपनी वर्कबुक दे उत्ते भी नोट करदे जाणा गा। तो शुरू कर देंगे। सब तो पहला है अपने कोल खालिस्तान पर। नंबर 1, आर्या लोग डैश दे मूल निवासी सन। हाँ जी, कितों दे मूल निवासी सी? भी पंजाब। वैदिक काल विच डैश नूं समाज विच सतिकार प्राप्त सी। हाँ जी, किनूं? भी इस्त्रियां। ठीक है, औरतों। पंजाब नूं डैश प्रदेश कहा जाता सी। हाँ जी, की कहा जाता सी? भी सप्त सिंधु। सप्त सिंधु। ठीक। नंबर 4, वैदिक काल विच राजे नूं की कहा जाता सी? हाँ जी, की कहा जाता सी? भी राजन। राजे नूं की कहा जाता सी? राजन। नंबर 5, राजे की सहायता लई दो महत्वपूर्ण संस्थावां सन जिन्हां नूं सभा अते डैश कहा जाता सी, समिति। ठीक है, समिति तत्ता गए। एक बार ये नोट करो, फिर आप अगे हल करते हैं। सभा, हाँ जी, 5 तक लिख लो एक बार साफ साफ, फिर अगे हल करते हैं। हाँ जी, नंबर 6 की गल करिए। प्राचीन समय विच समाज नू डैश भागों में वंडिया गया सी। किन्ने भागों में वंडिया गया सी? भी 4 भागों। वैदिक लोग डैश के बहुत शौकीन सन। कादे शौकीन सी? भी खेडां दे। नंबर 8, समाज 4 वर्गों में वंडिया होया सी जिन्हां नू डैश कहा जाता सी। की कहा जाता सी? भी वर्ण। वर्ण जां जातां, वर्ण लिखो तुसीं इत्थे। नंबर 9, वैदिक लोग डैश की पूजा करते सी। हाँ जी, की पूजा करते सी? भी कुदरत दी। ठीक है। नंबर 10, वैदिक लोगों का मुख्य भोजन डैश ते डैश सी। कणक नाल इत्थे चाहे लिख दो चावल, दालां। ठीक है, कणक चावल ये उन्होंने भोजन के मुख्य साधन सी। हाँ जी, एक बार ये लिख लो, फिर अगे आप हल करते हैं। नंबर 11 तो है अपने कोल, वैदिक काल विच इस्त्रियां नू समाज विच डैश ते डैश प्राप्त सी। हाँ जी, इस्त्रियां नू समाज विच भी सतिकार अते आजादी प्राप्त सी। सतिकार अते आजादी प्राप्त सी। ठीक है, ये अपने कोल 11 साड़ियां खाली थावां सी। इस तो बाद आप हल करते हैं बहु विकल्पी प्रश्न। ठीक है, नंबर 1, शक्तिशाली राजियां नूं की कहा जाता सी? हाँ जी, की कहा जाता सी? भी सम्राट। जिहड़े राजे ताकतवर सी उन्हां नूं सम्राट। वैदिक काल समय गणित दीआं कीड़ियां शाखावां उन्नत सन? रेखा गणित, त्रिकोणमिति। हाँ जी, ईडी ऑप्शन सी आ जाएगी, ऊड़ा ते आड़ा, ये दोनों ही प्रचलित सी। ठीक। नंबर 3, वैदिक काल विच राजे दे सलाहकार नूं किस नाम नाल पुकारिया जांदा सी? हाँ जी, की कहा जांदा सी? भी पुरोहित। नंबर 4, वैदिक काल विच किस नदी नूं सब तो पवित्र मन्या जांदा सी? हाँ जी, सरस्वती नूं। ठीक। नंबर 5, वैदिक काल विच अमीर लोग खास उत्सवां दे मौके उत्ते की पींदे सी? हाँ जी, की पींदे सी? सोमरस। नंबर 6, वैदिक सभ्यता दे लोकां नूं आम तौर ते की कहा जांदा सी? हाँ जी, की कहा जांदा सी? भी आर्या। आर्या जां आर्या लोक। संसार दी सब तो पुरानी पुस्तक केड़ी है? ऋग्वेद, सामवेद। केड़ी है भी सब तो पुरानी पुस्तक? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद भारत दा सब तो पुराना ग्रंथ हैगा जां पुरानी पुस्तक है। हाँ जी, नंबर 8, प्राचीन काल विच समाज नूं किन्ने भागां विच वंडिया होया सी? हाँ जी, किन्ने भागों वंडिया सी? भी 4 च। समाज की सब तो छोटी इकाई केड़ी सी? परिवार।
नंबर 10 आर्या कितों के मूल निवासी सन, हाँ जी कितों के सी भी पंजाब के, ठीक है ये नोट कर लियो साफ साफ। नंबर 3 ते अपने कोल हेठ लिखिया उत्ते सही ते गलत का निशान लगाओ। नंबर 1 चिकित्सा विज्ञान नूं आयुर्वेद भी कहा जाता सी, हाँ जी ये की है भी सही है। नंबर 2 विष्णु अते वरुण पुलाड़ दे देवते सन, हाँ जी ये भी की है भी सही है। नंबर 3 आर्या लोग मूल रूप विच पंजाब दे निवासी सन, हाँ जी ये भी ठीक है। नंबर 4 किसान अते व्यापारी खत्री वर्ग नाल संबंध रखते सी, नहीं ये की है गलत। नंबर 5 कुछ लोग शराब पीते सन जिसनों सुरा कहा जाता सी, हाँ जी ये सही है भी ठीक है। एक बार ये 5 तुसी नोट करो फिर आप अगे कर देंगे। हाँ जी इस तो बाद भी नंबर 6 पुरुष ने एक नदी का नाम है, हाँ जी ये सही है। नंबर 7 वैदिक काल विच इंद्र वर्खा का देवता सी, हाँ जी ये भी सही है इंद्र का संबंध वर्खा नाल सी। वैदिक काल विच इस्त्रियां का आदर नहीं हुंदा सी, ये की है गलत उन्हां दा आदर हुंदा सी। नंबर 9 वैदिक काल विच गऊ नूं लोकां दे लई पवित्र नहीं मन्नेया जांदा सी, नहीं ये भी की है गलत गऊ सी जिहड़ी लोकां लई पवित्र सी। वैदिक लोग प्रसिद्ध योद्धे सन, हाँ जी ये सही है वैदिक लोग जां फिर आर्या लोग प्रसिद्ध योद्धियां दे विच गिणे जांदे हैगे, ठीक नोट कर लियो इन्हां नूं भी। हाँ जी इस तो बाद भी अपने कोल हेठां दित्ते माइंड मैप नूं पूरा करना गा। वैदिक काल दसना आपां किन्ने तो किन्ने तक सी, तो जिहड़ा वैदिक काल सी इह 1500 ईस्वी पूर्व तो 1500 ईस्वी पूर्व तो 500 ईस्वी पूर्व तक सी, ठीक है 1500 ईस्वी पूर्व तो 500 ईस्वी पूर्व तक सी, ये बैकवर्ड चलता गा समा। 1500 ईस्वी पूर्व तो 500 ईस्वी पूर्व तक सी। हुण वैदिक काल नूं अगे दो भागां च वंडिया गया सी, आरंभिक वैदिक काल ते उत्तर वैदिक काल। आरंभिक जिहड़ा वैदिक काल सी तां इहदा समा सी 1500 तो 1000 ईस्वी पूर्व, ठीक है आरंभिक जिहड़ा वैदिक काल सी 1500 तो 1000 ईस्वी पूर्व। ते जिहड़ा उत्तर वैदिक काल सी इहदा समा सी 1000 ईस्वी पूर्व तो 500 ईस्वी पूर्व, ठीक है 600 करो तो सॉरी 600, ठीक है आरंभिक वैदिक काल 1500 तो लैके 1000 ईस्वी पूर्व तक सी, उत्तर वैदिक काल 1000 तो लैके 600 ईस्वी पूर्व तक सी। इस तो बाद सानू चार वेदों के नाम दिते गए, देखो ऋग्वेद सामवेद इत्थे किहड़ा बन जाएगा जो अते यजुर्वेद, यजुर्वेद ते आड़े ते केड़ा बन जाएगा अथर्वेद, अथर्वेद ठीक है। ये अपने कोल वेदां दे नाम ने चार ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद ते अथर्वेद, ये नोट कर लिओ तुसीं। हाँ जी हाँ जी बेटा इस तो बाद नदियां के नाम ने भी साढ़े को, ठीक है जिहड़ियां साढ़ियां पुरातन नदियां ने उन्हां दे कुछ क नदियां के नाम हुण होर ले जांदे, जिवें जेलम है कि उन्हूं बितसता कहा जांदा गा, चनाब नूं अस्कनी कहा जांदा सी, ठीक है तो असीं वो नाम लिखने हैगे। तो जिहड़ी जेलम नदी हैगी भी, ठीक है मैं एक एक करके लिखा तुसीं नोट करी चलियो। जेलम नूं कहा जांदा सी बितसता, ठीक है जिहड़ा अस्कनी हैगा वह चनाब का नाम हैगा, चनाब जिहड़ा हुण पाकिस्तान च, जेलम ते चनाब पाकिस्तान च ने। पुरुषनी है जिहड़ा वह रावी का नाम हैगा, रावी नदी है जिहड़ी दरिया हैगा रावी, ठीक है। बिपासा सी जिहड़ा ये ब्यास दरिया का नाम हैगा, ठीक है पहला नाम दिता गा फिर उहनू जिस नाम नाल जाणिआ जांदा सी वह नाम लिखिआ गा, ठीक है जिवें रावी का नाम पुरुषनी, ब्यास का नाम बिपासा, चनाब का अस्कनी, ठीक है पहला ये चार नोट करो फिर अगे करदे आपां। हाँ जी इस तो बाद जिहड़ा शतुद्री है भी, ठीक है ये कह जांदा गा सतलुज नूं,
सतलुज, ठीक है। तो इस तो बाद होर किहड़ियां किहड़ियां नदियां रहियां सी? एक गंगा, ठीक है, जमुना, ठीक है, सरस्वती, पंजाब। इस तो बाद इत्थे लिखना तुसीं सप्त सिंधु, ठीक है, सप्त सिंधु जां फिर सत नदियां दी दा प्रदेश, ठीक है, पंजाब नूं कहा जांदा सी। ठीक, इंज आपां इत्थे नदियां दे नाम भरने सी। तो ये तुहाडा जिहड़ा पाठ नंबर 10 सी आपां तुहाडे लई हल कीता गा, ठीक है। तो इस वीडियो में दोबारा फिर वेख लियो, अगर तुहाडा कोई क्वेश्चन मिस हो गया तो उसनों साफ साफ लिखाई दे विच अपनी वर्कबुक के उपर नोट कर लियो, ठीक है बेटा। ओके जी, थैंक यू।